हाय फ्रेंड्स, मैं प्रसाद शिर्के और मेरे साथ में यहाँ पे चिराग भट्ट। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही जाना माना इंट्रावेनस मेडिसिन है, एएमपी करके, ठीक है। और ये बहुत एडिक्टिव है, बहुत हद से ज़्यादा एडिक्टिव है। ये मेरे सर है और इन्होंने मुझे बहुत बार एक्सप्लेन किया है, आई डोंट वॉन्ट टू शेयर दैट, पर मैं सर को पूछूंगा कि वो क्यों इतना ज़्यादा एडिक्टिव है। फ्रेंड्स, एएमपी, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये जो है ये नया नया, मेरे को लगता है इसको 3 साल हो गए मार्केट में आके, और ये अंडरग्राउंड मार्केट में बनता है। फ्रेंड्स, इसको कभी मत लो, ये मेरी एडवाइस है आपको। जो ले रहे हैं हो सके तो इसको बंद कर दो, धीरे धीरे इसका डोजिंग घटा के इससे दूर निकलो। इसके कारण अब मैं आपको बताऊँ। पहले तो एएमपी क्या है, हमारा बॉडी का एनर्जी का जो करेंसी है वो है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यानी हमारी बॉडी की करेंसी हो, जैसे हमारा इंडिया का करेंसी रुपया है, ऐसे हमारी बॉडी की एनर्जी स्पेंड की करेंसी जो है एटीपी है। तो हमारे मसल में एटीपी मॉलिक्यूल स्टोर्ड होते हैं। पहले एटीपी मॉलिक्यूल्स यूज होंगे, एटीपी यूज होगा पहले, फिर ग्लाइकोजन यूज होगा और उसके बाद लाइकोलोसिस होगी ग्लाइकोजन को रीजनरेट करने के लिए। तो ये एक छोटा प्रोसेस है, मैं लेमन लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूं। तो एटीपी डायरेक्टली सबसे पहले यूज होता है। सो आप अगर समझो कि आपके पास अनलिमिटेड एटीपी है तो आप थकोगे ही नहीं, आपका ग्लाइकोजन ही रिप्लीट नहीं होगा, आपको मसल फेटिग ही नहीं होगा, आप समझे। तो यहाँ पे ये एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट काम है। घोड़ों को देते थे, घोड़ों को रेस दौड़ा के, वो भी इलीगल है, इट इज कम्प्लीटली इलीगल, और वो आपको बहुत ही बुरी हालत में पहुंचाएगा। कैसे पहुंचाएगा मैं आपको बता देता हूँ। एटीपी मॉलिक्यूल्स को रीजनरेट करने के लिए जो प्रीकर्सर है वो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट आदमी इंट्रावीनस लेते हैं। लोग जो जिसको 3-3 घंटे वर्कआउट करना है, ये चालू हुआ ट्रेंड ऐसे बॉडी बिल्डर्स के साथ जो लोग को भूखा रहकर अपने कॉन्टेस्ट के 15-20 दिन पहले जो भूखा रहना पड़ता था उनको, कि सिर्फ प्रोटीन खाए, थोड़ा खाए, जीरो कार्ब्स पे रहे, जिससे उसका लाइपोलिसिस हो, उसके फैट परसेंटेज घटे, उसके मसल अच्छे दिखें। सो ये उसमें उनको काम करता था, उनको हेल्प करता था, क्योंकि एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट लेने के बाद उनमें एनर्जी रहती थी कि वो वर्कआउट कर सके। अब भूखे पेट बिना कार्बोहाइड्रेट के वर्कआउट तो होने से रहा, अब इनको अपनी कंपटीशन में अपना बेस्ट दिखाना है तो इसके लिए ये गलत काम कुछ लोग ऐसे करते थे। यहाँ से इसकी शुरुआत हुई। तो वो लोग लो कार्ब्स पे होने के बावजूद एएमपी लेने के बाद उनका मसल में एटीपी 1000% बढ़ जाता है। सो एटीपी इतना ज़्यादा है कि उनको ग्लाइकोजन यूज नहीं हुआ तो भी वो फिट एंड फाइन और अच्छी पोजीशन पे रहेंगे, उनको लंबा वर्कआउट कर सकते हैं, भाग दौड़ कर सकते हैं, और जिसके कारण उनका मेटाबॉलिज्म भी ऊपर चला जाएगा, साथ ही साथ उनको भूख भी नहीं लगेगी। एटीपी एएमपी से हंगर भी सप्रेस हो जाती थी, सो उनके लिए ये ड्रीम था। अनफॉर्चुनेटली इसके साइड इफेक्ट में ऐसा प्रॉब्लम है कि एक बार आपने इसको बंद कर दिया तो आपकी बॉडी जो एटीपी बनाती है वो बनाना बंद हो जाएगा। यानी आपकी बॉडी, जब आप एएमपी लेते हो तो आपकी बॉडी जो अंदर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो बनाने का जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया कहीं ना कहीं स्टॉप हो जाती है। सो आपकी बॉडी का एटीपी लेवल्स डिप्लीट हो गया ऐसा आप समझो, अगर आपने इसको बंद कर दिया तो। आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने को भी लिथार्जी आएगी, और ये प्रोसेस आपको रिपेयर होने के लिए, आपको वापस उस मुकाम तक पहुंचने के लिए, इट विल टेक एटलीस्ट 3-6 months वहां से जाने के लिए। ये साइकोलॉजिकली भी आपको डाउन कर देगा, आप डिप्रेशन में भी आ सकते हो बहुत ज्यादा। सो एटीपी प्रोडक्शन बंद होने से एक तो आपकी बॉडी एनर्जी लेस हो जाएगी और आप का वेट गेन भी होगा उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, मोस्टली फैट गेन होता है, फैट गेन होता है, क्योंकि आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड ही नहीं करती है, बंद कर देती है, जितना भी खाया एनर्जी नहीं बनेगी, एनर्जी नहीं बनेगी, और आपको कुछ करने की इच्छा नहीं होती, ना एक्सरसाइज करने की इच्छा होती है ना कुछ, आप बहुत
डिप्रेशन में चले जाते हो, डीमोटिवेशन लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, उस चक्कर में फिर आप मीठा खा लेते हो, ठीक है, और अटपटंग चीज़ें सब खा लेते हो और आप फैटी बनने लगते हो, और वैसा वो एक अच्छा फिजिक देखने की आदत रहती है और सडनली ऐसा फैटी और गंदा फिजिक देखने के वजह से इंसान और डीमोटिवेशन हो जाता है, नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। ये सबसे बड़ा और सबसे बुरा साइड इफेक्ट है एटीपी का कि इसकी लत अगर लग गई तो ये इतना खतरनाक ड्रग है कि उसमें से बाहर नहीं निकल सकते हो। काफी बॉडी बिल्डर्स का बॉडी बिल्डिंग बंद हो गया है बिकॉज ऑफ एटीपी। एटीपी एएमपी लेने से आपके ब्लड प्रेशर भी शूट होंगे, किडनी का लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली प्रॉब्लम होना ही होना है। ब्लड प्रेशर तो इमीडिएटली शूट होता है, द वे यू इंसर्ट, ठीक है, वो इतना फास्ट किक देता है, इट्स सेम लाइक ड्रग एडिक्ट, इतना फास्ट किक देता है कि आपको कुछ समझता नहीं है, इतना ज्यादा एंगर बना देता है फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड में कि आपके सामने कितना भी वेट रहने दो, कुछ भी रहने दो, यू आर गोइंग टू हिट दैट वेट, यू आर गोइंग टू डू दैट वर्कआउट। आफ्टर वर्कआउट, आफ्टर टू आवर्स का वर्कआउट, आप ऐसा लगेगा कि यार मैंने कुछ किया ही नहीं है, मैं वापस उतना वर्कआउट कर सकता हूँ, मैं वापस उतना लेवल पर ट्रेन कर सकता हूँ। तो वो इतना स्पाइक देता है और इतना, पर वो बहुत ज्यादा डेंजरस है क्योंकि आप स्टेरॉइड्स तो लेने ही वाले हो डेफिनेटली, ठीक है, ये तो एक चना कुरमुरे की तरह बॉडी बिल्डर्स यूज करते हैं, लोग यूज करते हैं प्री वर्कआउट की तरह, स्टेरॉइड्स ले रहे हो ऑलरेडी ऐसा ही आपका ब्लड प्रेशर हाई है, ठीक है, एएमपी डालने के बाद और आपका ब्लड प्रेशर शूट हो रहा है, आप जाके वेट हिट करने वाले हो और हिट करने वाले हो, तो इट्स वेरी डेंजरस फॉर योर हार्ट, कभी भी आप कोलैप्स हो सकते हो। इसके ऊपर एक और बात है, जितने भी जेन्युइन बॉडी बिल्डर्स हैं वो एएमपी से दूर रहते हैं, वो लोग एएमपी नहीं, बिल्कुल नहीं। एएमपी आपको थोड़ी देर के लिए बहुत अच्छा फील करवाएगा मगर उसके सामने आपको बहुत कुछ खोने के लिए है। सो फ्रेंड्स, एएमपी नाम के चीज़ से बचो, और जो लोग ले रहे हैं वो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उसके बारे में थोड़ा स्टडी कीजिए, खुद अपने हिसाब से सर्च कीजिए कि एएमपी क्या क्या कर सकता है आपके साथ, और उसके बाद हो सके तो इसे बंद कीजिए, बिकॉज ये आपके साथ आपकी पूरी फैमिली को ले लूँगा, क्योंकि आपका एटीट्यूड ही लाइफ के टूवर्ड्स टोटली चेंज हो जाएगा, आप सेल्फ सेंटर्ड हो जाओगे, आप आपके घर में जो आपको ध्यान देना चाहिए वो नहीं दोगे, आप टोटली सेल्फिश बन जाओगे ये लेने के बाद। ये सबसे बेकार ड्रग है फ्रेंड्स, ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम एएमपी, दिस इज द वर्स्ट थिंग दैट हैज हैपेंड इन इंडिया, एंड आई डोंट नो, ये अगर स्टॉप हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। बी फिट, बी स्ट्रॉन्ग, सी यू गाइस, बाय।